Hello, my dear students. I hope you all are stay safe at your home. Today we will read the remaining chapter number 6 on page number 79. I will start from the last paragraph because we have already done till. I am after all the fastest creature around. Okay? Next we start. The snobbish and selfish little snail continued on his way looking for a home. जैसे हमने पहले रीड किया था कि जो स्नेल है वो दूसरे क्रिएचर्स के साथ इंसेक्ट्स के साथ स्टे करना लाइक नहीं करती बिकॉज ही फील्स प्राउड ऑन हर सेल्फ, उसको अपने ऊपर घमंड है. He is the fastest creature in all the animal kingdom. कि वो सबसे fastest creature है, सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ती है, उसको अपने ऊपर घमंड है. So that's why he doesn't like to leave anyone. The snobbish. Snobbish means behaving a way showing that you are better. मतलब जिससे ये पता चलता है कि हम तुमसे better हैं. And from high social class than others. कि मैं सभी से डिफरेंट हूँ. क्लियर? इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन और क्रिएचर और इंसेक्ट्स कि वो किस टाइप से ले रहा है, किस वे से ले रहा है, सुंदरता से ले रहा है. क्लियर? जैसे कि स्नेल, उसकी स्पीड फास्ट है, उसको उसके ऊपर घमंड है. तो क्या है, तो वो सेल्फिश हो जाती है और सभी तो वो सेल्फिश हो जाता है स्नेल, तो सभी से डिफरेंट फील करता है कि मैं सभी से डिफरेंट हूँ. सो दैट्स व्हाई ही कंटिन्यूड ऑन हिज वे लुकिंग फॉर अ होम. वो वहाँ से आ जाता है कि मैं इन एनिमल्स के साथ स्टे नहीं करूँगा, मैं अपना डिफरेंट ही रहूँगा. ही केम अक्रॉस अ लार्ज आंट हिल टीमिंग विद हंड्रेड्स ऑफ लिटल रेड आंट्स. उसके बाद क्या होता है, ही केम अक्रॉस अ लार्ज आंट हिल. वहाँ पर क्या है, बहुत सारे रेड आंट्स हैं. क्लियर? टीमिंग, टीमिंग मीन्स फुल विद हंड्रेड ऑफ रेड आंट्स. दे वर ऑल टू बिजी नोटिस हिम. सभी बिजी हैं टू नोटिस हिम. एंड ही डिसाइडेड दैट दिस एक्सक्लूसिव कॉलोनी वॉज ऑब्वियसली नो प्लेस फॉर हिम. उसने उसको भी रिजेक्ट कर दिया बिकॉज देयर वर हंड्रेड ऑफ लिटल रेड आंट्स. सो दैट्स वाई ही डजंट लिव देयर. इसलिए वो वहाँ पर रहना लाइक नहीं करता. He met a crab who lived in a snug little crevice in a stone wall, and the crab pointed out helpfully that the wall had plenty more of such. Clear? Red ant से वहाँ पर उनका तो reject कर दिया. Next, वो किससे मिलता है, एक crab से. वो कहाँ पर रहता है, who lived in a snug means एक जैसे कि दीवार होती है उस पर holes होते हैं छोटे छोटे, तो वहीं पे रहता है. तो क्रैब ने पॉइंट आउट किया कि हेल्पफुली दैट द वॉल हैड प्लेंटी होल्स. तो मतलब कि इस दीवार में काफ़ी सारे होल्स हैं, यू कैन लिव देयर, कि तुम यहाँ पे रह सकते हो. क्यूबी होल्स एंड अ स्नेल कुड ईजली मूव इन टू वन ऑफ देम. कि तुम स्नेल हो, तुम ईजली मूव कर सकते हो, यू कैन मूव ईजली ऑफ देम. But the snail reversed the crab's attempts and neighborly behavior and with a rude snort sprinted away. Same here, उसने उसके साथ भी rude behavior किया कि मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ. Clear? And also sprinted away from there, और वहाँ से चला जाता है. As he was running without looking where he was going, he bends into a round hard object. वहाँ से दौड़ जाता है और बिना कुछ देखे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, he bends into a round हार्ड ऑब्जेक्ट. एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, वो वहाँ पे पहुँच जाता है. ही रब्ड हिज हेड एंड लुक एट द ऑब्जेक्ट केयरफुली. एक ऑब्जेक्ट है दैट वॉज वेरी हार्ड. इट वॉज अ लार्ज ब्राउन कोन शेप्ड शेल. वो एक शेल है ब्राउन कलर का. क्लियर? इट लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव. बहुत सुंदर है देखने में. एंड एज अ स्नेल पोक्ड हिज हेड इन टू इट केयरफुली. वो अपना हेड उस शेल में केयरफुली अंदर कर लेती है.
अंदर कर लेता है. ही फाउंड दैट देयर वॉज नो वन इट. उसने देखा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है. देन ही वॉज वेरी हैप्पी. विद अ लिटल चॉटल ऑफ डिलाइट द स्नेल डिसाइडेड देन एंड देयर दैट दिस वॉज अ परफेक्ट फॉर होम फॉर हिम. ही डिसाइडेड टू लिव देयर बिकॉज नो वन इन इट, नो वन इन द शेल. सो दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू लिव देयर एंड थिंक दैट इट वॉज अ परफेक्ट होम फॉर हिम. ये परफेक्ट होम है क्योंकि उस शेल में और कोई नहीं था. इट हैड रूम ओनली फॉर हिम, कि ये ओनली मेरे लिए रूम है. सो ही वुड नॉट हैव टू शेयर स्पेस विद एनी वन, कि वो ये स्पेस किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा. इट वॉज वेरी सेफ एज नो अनवेलकम इंट्रोड्यूस कुड एवर एंटर इट, और कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा. It was very safe. It was a perfect home for the unsociable and rather conceited snail. उसको अपने ऊपर और भी घमंड हो जाता है. क्लियर. इट वॉज़ अ स्मॉल शेल, एक छोटी शेल है. मीन्स वो तो मूव कर सकती है ईजली. जो स्नेल है वो तो ईजली मूव कर सकता है, तो उसको प्राउड होता है कि मैं तो ईजली मूव कर सकता हूँ. आई कैन मूव ईजली इन टू दिस शेल. लेकिन कोई और नहीं करता. सो दैट्स वाई he thought that it was a perfect home for him and also decided to live there. He quickly crept into the shell. Quickly, jaldi se crept karti hai into the shell and with a little twisting and turning. The snail was very flexible creature and also the fastest. Matlab jaldi se twist kar leti hai, twist kar leta hai. Found that he fitted in very स्नगली. ही क्विकली क्रैप्ट इन टू द शेल. जल्दी से वो क्रैप्ट कर लेती है इन टू द शेल एंड विद अ लिटल ट्विस्टिंग एंड टर्निंग फाउंड दैट ही फिटेड इन वेरी स्नगली. आराम से वहाँ पर फिट हो जाता है. हिज लिटल टेल, उसकी छोटी टेल वॉज हिडन फ्रॉम व्यू ऑफ कोर्स बट ही डिड नॉट माइंड दिस मच. उसकी जो छोटी सी टेल है मतलब वो हिडन हो जाते, छुप जाते, लेकिन इट डजेंट मैटर फॉर हिम. उसने मतलब उसके बारे में सोचा ही नहीं. As this would only be when he was at home, then tired from all his exertions, the snail closed his eyes and fell asleep. सारा दिन थकान हो जाती है उसको, तो वो थक जाती है. Then the snail closed his eyes and fell asleep. तो वो सो जाता है. When he woke up a little later, थोड़े टाइम बाद वो उठता है. He felt quite refreshed and decided to go for a run in search of food. Clear? After that, he decided to go for a run in search of food. कि अब मुझे food की search में जाना चाहिए. He tried to get out of his shell. वो try करता है shell से बाहर निकलने के लिए. Thinking that he could slide out easily. वो क्या सोचता है कि वो तो smoothly से वहाँ से निकल जाएगा. But to his dismay, he found that he was vested so tightly into it that he could not move freely. तो शेल में क्या होता है, वो डिस्कम्फर्ट फील करता है. क्यों फील करता है? क्योंकि जो उसकी टेल है, लुक एट द पिक्चर, इट्स वेरी क्लियर, वो शेल में ही मतलब घुस जाती है, शेल में ही पकड़ी जाती है, तो शेल से बाहर नहीं आ रही. क्लियर. तो जो लुक एट द पिक्चर, जो ब्राउन कलर का है वो शेल है बच्चे, तो उसकी जो टेल है वो शेल में ही रह जाती है. सो दैट्स वाई उसके बाद जो उसकी स्पीड है वो स्लो हो जाती है. तो ये उसका मतलब बॉडी नहीं है, ये शेल है जो ब्राउन कलर का है. इट वॉज अ शेल. Sticking his head out, he began to struggle furiously with all the energy he had, but it was of no use. मतलब वो अपनी एनर्जी लगाता है, ठीक है, ट्राई करता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए. As much as he tried, जितना हो सकता है वो ट्राई करता है. He could not get his body out of the shell or shake it off. लेकिन तो उसकी बॉडी है वो शेल से बाहर नहीं आती. Finally, in disappointment and exhaustion, he gave up for the timing. फिर उसने अपनी जो हिम्मत है वो छोड़ देता है. क्लियर. क्योंकि उदास हो जाता है, थक जाता है आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क.
बट ही वॉज स्टिल वेरी हंग्री, लेकिन उसको बहुत भूख लगी है. एंड इट वॉज लॉन्ग पास्ट हिज मील टाइम, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था खाना खाए. सो ही डिसाइडेड टू हरी अलॉन्ग टू गेट अ टेस्टी मॉर्सल फॉर हिमसेल्फ. तो डिसाइड करते हैं कि उसको फूड के लिए जाना चाहिए. ही ट्राई टू आर्क हिज बैग इन द यूजुअल वे बिफोर ही स्टार्टेड हिज स्प्रिंट, बट ही फाउंड टू हिज हॉरर दैट द शेल विच वॉज क्लिंगिंग टू हिज बैग वॉज वेरी क्यूम्बरसम. लेकिन जो उसकी टेल है वो शेल के साथ चिपक जाती है. क्लियर? इट वॉज हैवी, बहुत हैवी है वो शेल. टू एंड ही लाइज दैट ही कुड ऑनली क्रॉल अलॉन्ग एट अ वेरी स्लो पेस. सो दैट्स अ बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो उसकी स्पीड है वेरी स्लो, बहुत ही स्लो हो जाती है बिकॉज द शेल इज टू हैवी, बहुत हैवी है शेल. गैस्पिंग एंड पैंटिंग ही ट्राइड वेरी हार्ड टू रिगेन सम ऑफ हिज ओल्ड स्पीड, बट इट वॉज इम्पॉसिबल. उसने ट्राई किया कि अपनी ओल्ड जो उसकी स्पीड है उसमें आ जाए, बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम बिकॉज ऑफ द शेल. द स्नेल विच हैड बीन द फास्टेस्ट क्रिएचर, जो कभी एक फास्टेस्ट क्रिएचर था, हैड बिकम ड्यू ऑन हिज ओन सेल्फिशनेस द स्लोएस्ट. अपनी खुद की सेल्फिश की वजह से वो स्लो हो जाता है. क्लियर? क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो सभी से सेपरेट रहेगा. अगर वहाँ पे और क्रिएचर्स हो तो उसकी हेल्प कर सकते थे मे बी, बट बिकॉज ऑफ हिज सेल्फिशनेस ही बिकेम अ स्लोएस्ट क्रिएचर. एज द प्रेडिकमेंट संक इन ही वॉज हॉरिफाइड. क्लियर? अब तो कुछ नहीं हो सकता. प्रेडिकमेंट मीन्स प्रॉब्लम. द शेल विच हैड सीन द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू लिव, मतलब शेल को बेस्ट प्लेस माना जाता है रहने के लिए, ऑल बाई हिमसेल्फ नाउ सीम्ड सो क्रैम्प्ड एंड इट वॉज एन इनॉर्मस बर्डन दैट ही वुड हैव टू कैरी ऑलवेज. अब जो उसके ऊपर एक बर्डन बन चुका है जिसको उसको कैरी करना है हमेशा के लिए. द स्नेल क्राइड हॉट टीयर्स ऑफ रेग्रेट, मतलब वो बहुत ज़्यादा रोता है. एंड विश्ड हर्टली दैट ही हैड नॉट बीन सो कंसीटेड एंड सेल्फिश. अब उसको रियलाइज हुआ कि उसको सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा है. बट ऑल हिज रेग्रेट्स वर ऑफ नो यूज, जो उसने सभी कुछ ट्राई किया वो क्या है, सब कुछ बेकार है. क्लियर? टू दिस डे ही क्रॉल्स अलॉन्ग वेरी वेरी स्लो विद ऑल हिज टेल हिडन आउट ऑफ साइट एंड अ शेल इज ऑन हिज बैक फॉर एवर. उसके बाद क्या होता है, जो स्नेल है वो उसकी जो स्पीड है बिल्कुल ही स्लो हो जाती है और जो शेल है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है जिसको उसको मतलब उसको उठाना ही पड़ेगा. जो शेल है उसको उसका बर्डन, उसका जो इतना हैवी वेट है तो स्नेल को वो उठाना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ हिज सेल्फिशनेस. एंड अ शेल इज ऑन हिज बैक फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जो शेल है उसकी बैक पर ही रहेगा. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई होप यू विल एंजॉय इट. प्लीज़ रीड दिस चैप्टर वेरी वेरी केयरफुली. थैंक्स. हैव अ फैबुलस डे.